बुआ जी। खिचड़ी पकाने गई थी? नहीं नहीं, वो अब मेरा काम नहीं है। क्या? शैम्पू दो। नाश्ता तैयार है। या तू का टेंशन ले रही है, तू बैठ ना। अरे नहीं, तेरी बुआ बैठेंगी यहाँ। अच्छा अच्छा। ओ, ये तो बाहर का है, इसे का टेस्ट कर रहे हो? भूख लगी यार, चूल्हे खा रहे हैं। हराम फूफा। आराम से आराम से। नहीं जीजी बैठेंगी। अब यहाँ बैठी। जीजी कहाँ रह गई? अभी तक नहा कर नहीं निकली का? क्या सासू माँ, मजे ले रही हो फूफा का? यप, फूफा जी कहाँ तू? अरे कहाँ चला का? का खेल रहे हो का फूफा से तुम? अरे का जान निकाल लोगी? अरे बुआ, कौन से पार्लर से बाल स्ट्रेटनिंग करवाई हो? बट कमाल का किया। हटो हटो। क्या किया, क्या किया तूने मेरे साथ, क्या किया? बुआ जी, नहाने तो आप गए थे, डांट इनको क्यों रही हैं? क्योंकि इसी ने मुझे शैम्पू की बोतल दी थी, जिसे लगा के मेरे बाल ऐसे आसमान छू रहे हैं। ये बोतल तो परी भाभी की है ना? अरे नहीं नहीं, परी तो पढ़ी लिखी और समझदार बहू है। ये लाली लिपस्टिक वाली ने मुझे दी थी। तूने दी थी ना ये बोतल? माँ जी, वो बोतल में शैम्पू खत्म हो गई थी तो मैंने घर पे ही बना दिया। ये कोई ब्रेड पकौड़े जो घर पे बना दिया? माँ जी, ये तो ब्रेड पकौड़े से भी आसान है। इसमें क्या क्या पड़ता है, बोतल के पीछे सब कुछ लिखा हुआ था, बस वही पढ़ के बना दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सब सही डाला था, जैतून, बादाम का तेल, आंवला, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? नंदोई जी, नंदोई जी, बोलिए क्या चाहिए? सब सामान बैग में है, कीमत मात्र 11 रुपए। नंदोई जी, आप ना अपना सेल्समैन का सामान यू किचन में छोड़कर मत जाइए। ये देखिए गोंद की बोतल। आपने क्या किया, आंवले के रस की बोतल बाहर ले गए और ये गोंद की बोतल वहीं छोड़ दी। थोड़ा तो समझिए नंदोई जी, खाना बनाते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो। ये क्या है? अच्छा है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। बुआ जी ने गोंद के शैम्पू से बाल धो लिए। माँ जी, वो रसोई में आंवले की बोतल की जगह गोंद की बोतल रख दी थी और मैंने गलती से वही शैम्पू की बोतल में डाल दी। कुर्ती पांच बहू है तूने पाई है और वो भी कमाल की। ये शैम्पू में गोंद डालने से पहले मेरे खाने में जहर क्यों नहीं डाल दिया? नहीं नहीं, खाने में नमक कम ज्यादा नहीं डालती, जहर क्यों डालूंगी? बुआ जी, खाना बनाने में तो मैं एकदम उत्तम हूँ। क्या, तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना तो ये बनाती है। मैं हूँ खाना बनाने वाली, मैं हूँ। पर पंचीरी, तुम्हें घर पे एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? अब वही तो, अभी तो बाल खड़े हुए हैं, उड़ जाते तो। अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या पागल है जो फैक्ट्रियां खोल के बैठी है ये सब बनाने के लिए? माँ जी सॉरी, बुआ जी सॉरी, एक सेल्फी हो जाए। चुप। क्या सॉरी, तुम्हें पता है कल शाम की मेरी ट्रेन है वैष्णव देवी जाने के लिए। अब 20 लोगों के संग के साथ मैं वैष्णव देवी जा रही हूँ माता के दर्शन के लिए। अब कैसे दर्शन करूंगी? हाँ, जय माता प्यार से बोलो, जय माता। वैसे बुआ जी, बाउंस बड़ा नेचुरल लग रहा है। माता रानी की टेंशन मत लीजिए, वो तो गंजों को भी आशीर्वाद देती है। बस मन सच्चा होना चाहिए। हाँ तो नंदोई बेटा, गणित का एक नया प्रश्न सुनो। अगर दो बहने कुंती कुंती, क्या किया तूने मेरे साथ?
जी जी गर्म पानी लेकर आओ। कीमत मात्र 11 रुपए। वैष्णो देवी की ट्रेन पकड़ने से पहले 2 दिन हमारे साथ बिता लेंगे ये सोच कर आए थे बुआ फूफा। पर इनका हमारे घर में क्या स्वागत हुआ है? बुआ का तो ठीक है, फूफा कहीं मेरठ घूमने चक्कर में ज्यादा दूर न निकल लें। हे भोले, तेरी ही दी हुई बहुएं आपस में जिद पकड़ के बैठी एक दूसरे का गुण अपनाने की, बस नजर रखना अब कोई नया ड्रामा ना हो। 2 दिन रह गए, शांति से कट जाए बस। माँ जी, चौका जीरे का लगाऊं या राई का? मैया जाके एक बार चेक कर लो, चौका तेल में लग रहा है ना, मिट्टी के तेल में तो नहीं? ए! सुन, मैं आई। कढ़ाई में घी गरम करे, किया गेहूं का आटा भून ले। हाँ, हो गया। अब इसका नीचे उतारे, अब इसे ठंडा करे। बेटा तुमने बाहर देखा ना, दूसरे का गुण सीखने के चक्कर में पंजीरी ने क्या किया, जीजी के बाल खंभे जैसे खड़े कर दिए। मेरी मानो तो तुम ये खाना बनाने की तकलीफ रहने ही दो, हम बाहर से मंगा लेते हैं। नहीं नहीं माजी, नहीं नहीं माजी, बाहर से क्यों मंगवाएंगे? मेरा खाना तैयार होने ही वाला है और पंजीरी रोज जितना खाना बनाती है उसे एक डिश ज्यादा बना रही हूँ। बेटा इतनी चीजें बना के क्यों रिस्क बढ़ा रही हो? ज्यादा बिगाड़ने से तो अच्छा है कि एक ही चीज अच्छी बना लो। माँ जी आपको मेरे खाना बनाने पर भरोसा नहीं है? लेकिन सासू माँ मेरी पढ़ाई लिखाई पर तो है ना, ये देखिए मैं रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही हूँ। माँ जी चक्के बताइए ना कैसे बनाए प्लीज। चलो काम चलाने लायक तो बना ही दिया। अच्छा है ना? हाँ देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। सुनो मीठे में कुछ बना रही हो? नहीं तो कन्हैया से कहो बाजार से ले आएगा। माँ जी जब एक गुण अपनाने की ठानी लिए तो फिर काम चोरी किस बात की? पंजीरी मीठा घर पर बनाती है ना, तो घर पर मीठा बनाऊंगी मैं। आज तो मेरठ में सबको गुजरात का स्पेशल गोल पापड़ी बनाकर खिलाऊंगी। बेटा किताब में पढ़कर बनाना। हाँ अब सोडा डालें। सोडा खाने का या पीने का? खाने का सोडा।